ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुनतिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत इदं ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्ये तदशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽस्मि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रियतजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः तमेव ईश्वरं शरणं आश्रयं संसारार्तिहरणार्थं गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत तत्प्रसादात् ईश्वर अनुग्रहात् परां प्रकृष्टां शान्तिं परां उपरतिं स्थानं च मम विष्णोः परमं पदम् अवाप्स्यसि शाश्वतं नित्यम् इति एतत् तेतुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं कथितं गुह्यात् कूप्यात् गुह्यतरम् अतिशयेन गुह्यं रहस्यमित्यर्थो मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमृश्य विमर्शनम् आलोचनं कृत्वा एतद् यथोक्तं शास्त्रम् अशेषेण समस्तं यथोक्तं च अर्थजातं यथा इक्षसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं सर्वगुह्येभ्यः अत्यन्तरहस्यमुक्तम् अपि असकृत् पुनः भूयः भूयः पुनः शृणु मे मम परमं प्रकृष्टो वाच्यो वाक्यम् न भयाद् अपि अर्थकारणात् वा वक्ष्यामि किं तर्हि इष्टप्रियः असि मे मम दृढम् अव्यभिचारेण इति कृत्वा तेन कारणेन वक्ष्यामि कथयिष्यामि हेतं परं ज्ञानप्राप्तिः साधनं तद्हि सर्वहितानां हितममं च मन्मना भव मच्चित्तो भव मद्भक्तो भव मज्जनो भव मद्याजी मां मद्याजनशीलो भव मां नमस्कुरु नमस्कारम् अपि मम एव कुरु तत्र एवं वर्तमानो वासुदेव एव समर्पितसाध्यसाधनप्रयोजनो माम एव ऐष्यसि आगमिष्यसि सत्यं तेतर प्रतिजाने सत्यं प्रतिज्ञां करोमि एतस्मिन् वस्तुनि इत्यर्थः यतः प्रिय असि से एवं भगवतः सत्यप्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा भगवद्भक्तेः अवश्यं भावि मोक्षफलम् अवधार्य
भगवशरैक परायणो भवेद इति वाक्यार्थः। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादां परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। पूरे 18वें अध्याय की भगवान समाप्ति में कुछ बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वह जो हृदेश में अर्जुन बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेश अर्जुन अतिष्ठति, उसकी प्राप्ति के लिए अर्जुन तुम कुल मिलाकर कुछ नहीं कर सकते हो तो एक काम करो। देखो जी, इसलिए 62वां श्लोक आखिरी साधना का भगवान उपदेश करते हैं। क्या उपदेश है? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। देखो जी, अर्जुन तुम उसकी शरण में जाओ। गच्छ किसकी शरण में जाओ? बोलते हैं तम एव, उसकी शरण में जाओ सर्वभावेन भारत। देखो जी, सर्व भाव से जाओ। कल इस पे ही हमारी चर्चा हो रही थी। जो ज्ञान का निधान है, जो बल का निधान है, जो विवेक का निधान है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, तम एव। देखो जी, मतलब जहां भी व्यक्ति को बल या विवेक जरा सा दिखता है, उसको अंदाजा लगना चाहिए कि यह तो बूंद है, समुद्र तो कोई और है। देखो जी, उस समुद्र का नाम ही तम है। तो अर्जुन तुम अपना जो मुख है वह उस ओर करो। देखो जी, इसलिए बोलते हैं तम एव शरणम गच्छ, ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वभावेन भारत। सर्वभाव का अर्थ क्या करेंगे? तो भगवान भाष्यकार ने क्या किया, आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत। देखो जी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जिसका अर्थ किया गया अव्यभिचारित्वात्। अब व्यभिचारी का अर्थ क्या होगा? जब जीवन में शरणागति के अन्य विकल्प मौजूद हैं, जब भी शरणा ईश्वर के अलावा अन्य विकल्प मौजूद हैं, तब समझना चाहिए कि जो हमारी भक्ति है वो कैसी है, वो व्यभिचारी है। अब ये तो अपने अपने चित्त में देखें कि ईश्वर की शरणागति के अलावा क्या मेरे चित्त में अन्य विकल्प मौजूद हैं? कठोर भाषा लगती है। जब ऐसा व्यक्ति सोचने लगे भक्ति में, जिसको बोलते हैं बैकअप प्लान, मतलब मेरे जीवन में ये नहीं मिला तो मेरे जीवन में एक बैकअप प्लान है, तब आप समझ लेना अगर प्लान नंबर 2 आपके चित्त में है तो विकल्प तो इसका मतलब मौजूद है। अगर एक ही विकल्प है, उस एक ही विकल्प को सर्वभावेन कहा गया और यही उसकी प्रसाद का सबसे बड़ा हेतु है। और ऐसा भी कहा जाए जीव के साथ जो मत प्रसादात जो प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे चित्त में अन्य विकल्पों का होना। इस बात पर थोड़ा आज विचार कर लीजिए, कौन कौन से विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, और दूसरा है विकल्पों के मौजूद होने का कारण क्या है। विकल्पों के मौजूद होने का कारण क्या है? जी हाँ,
मतलब कहीं हमारे मन में तो है कि अगर इसने मेरी इच्छा पूरी ना की, बना तो इच्छा न पूरी की, इसका मतलब हम उसको सर्वशक्तिमान तो मानते ही नहीं। और यह भी संभव है कि हमारी साधना में कोई ना कोई कमी है, तो हमको पता है कि जितना मैं हूं उससे ये मिलने वाला तो ये है नहीं, तो मैंने अन्य रास्तों को क्या करके रखा है, तलाश करके रखा है। मतलब स्पष्ट कहें तो जीवन में बैकअप प्लान या प्लान नंबर टू यदि अध्यात्म में जीवित है, तब आप समझिएगा कि आपके अंदर सर्वभावेन नाम की कोई चीज, और सरल कर लें, मैं अपना ही लूं, मैं ऐसा चित्त में ये रख के चलूं कि मुझे अपने गुरु के अलावा कहीं अन्य जगह से भी और ज्ञान मिल जाएगा जो कि मुझे तार देगा। अब यह चित्त में जब स्थिति होगी तो आप इसका निर्णय करो कि उस साधक का क्या होगा। उस साधक का आप निर्णय करो कि आप क्या कहोगे उस साधक के लिए। नहीं, मैं ऐसा पतन तो नहीं कहता, ठीक है कुछ कुछ फुलझड़ियां जैसे होती हैं, कुछ कुछ चीजें मिलती रहती हैं विद्वानों के पास जाने से, लेकिन आप बोलो कि जिस मुक्ति के लिए आप चले थे वह मुक्ति प्राप्त हो जावे, तो वह मुक्ति तो प्राप्त होने वाली कतई नहीं है, कतई नहीं, क्योंकि वहां पे भी उसके पास जाने के लिए आपके लिए एक ही शर्त है, सर्व भावेन। वह सर्व समर्थ है, वह सर्व शक्तिमान है, वह हमारे अज्ञान के बंधन को खोलने में सक्षम है। जब यह बुद्धि से श्रवण किया गया तब वह गुरु के जो वचन थे वो क्या हो गए। अच्छा प्रश्न ये है, सभी आचार्यों का वचन तो एक ही होगा, दूसरा वचन और क्या बोलेंगे, व्यवहारिक दृष्टांत लें तो सभी चिकित्सक हो संभव है कि आपको एक ही सलाह दें, क्योंकि यदि रोग वैसा होगा तो सलाह तो सब लोग कैसी देंगे, लेकिन जिसके प्रति मेरा भाव उत्पन्न है, संभव है कि मुझे लगता है कि इसकी सलाह ने क्या कर दिया मेरे जीवन में, सामान्य दृष्टि से देखें तो वही सलाह तो किसी दूसरे ने भी दी थी, फिर उसकी दवाई काम में क्यों नहीं आई, दवा तो वही है, इसका मतलब वहां पे व्यभिचार है। यहां तो अन्य संतों का जो दृष्टांत मिलता है, संभव है कि उनके गुरु शायद उतने सक्षम नहीं थे, ऐसा भी है गुरु शायद सक्षम नहीं थे, लेकिन गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा ने उनको वहां से वहां तक लेके चला गया, ज्ञान नहीं श्रद्धा, क्योंकि ज्ञान के लिए एक साक्षात कारण किसको माना गया है, श्रद्धा को माना गया। श्लोक क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, मतलब पहला ही लिखा गया कि बलवान लभते ज्ञानम, ऐसा नहीं लिखा गया, शरीरवान लभते ज्ञानम ऐसा नहीं लिखा गया, धनवान लभते ज्ञानम ऐसा नहीं लिखा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस श्रद्धा के साथ यह शब्द जुड़ना चाहिए, सर्व भावेन। कोई दे या न दे, जैसे कोई पुत्र हुए उसको भी यह भान रहता है कि दुनिया वाले कोई दे या ना दे, लेकिन ये जो मेरे माता पिता हैं ये तो क्या करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, ये कैसा पुत्र है, सर्व भाव। लेकिन उसको आशा अन्य रिश्तेदारों से भी होवे और रिश्ते आपसे भी होवे, तो आपके मन में आ जाता है कि इसके मेरे प्रति पूर्ण भाव तो बस वहीं से जो चित्त है उस चित्त में फिर दारिद्र आ जाता है, वो व्यक्ति पूरा नहीं दे पाता। इसलिए मैं उस दिन कह रहा था इसी से जो गली निकली है वह प्रेम की निकली है,
लेकिन पहले तो यही शब्द आप देख लो अभी, सर्व भाव का सिर्फ एक अर्थ करें कि चित्त में व्यभिचार किसी तरीके से ना आए, यदि ये हो जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखो जी, ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए अव्यभिचार की स्थिति हो गए। अव्यभिचार मतलब बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं, अन्य विकल्पों का अभाव, चित्त में अन्य कोई विकल्प ना हुए। अर्जुन के साथ ऐसा था, उसके लिए भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जिससे कि वह ज्ञान ले सके। देखो जी, इसको बोलते हैं सर्वभावेन मत प्रत्यत प्रसादात, उसी के प्रसाद से। अब प्रसाद के कई सारे अर्थ हैं, इसलिए भगवान ने तो, भाष्यकार ने तो बड़ा सरल अर्थ कर दिया, और जो वास्तविक अर्थ है ईश्वर अनुग्रहात। देखो जी शब्द देखना, अनुग्रह शब्द लिखा है, अनुग्रह शब्द लिखा है, ग्रह मतलब पकड़ना और अनुग्रह मतलब बाद में। पहले तो हमने ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न की, फिर ईश्वर ने जो भाव व्यक्त किया उसको क्या बोलते हैं, अनुग्रह बन गया। ईश्वर अनुग्रहात, उस ईश्वर के अनुग्रह से। देखो जी, ज्ञान के अर्थ, ज्ञान के संदर्भ से प्रवेश किया जाए तो वह उस तत्व में प्रवेश कर जाता है, वह उस तत्व में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश किसने कराया? तो आप एक दृष्टि से देखो तो साध्य भी वही है और साधन भी वही है, ये इसका यूनिकनेस है। साध्य भी वही है हाँ, और साधन भी वही है, मतलब तत्व की प्राप्ति ही, तत्व में प्रवेश ही, ऐसा भी एक श्लोक आया था ना, यावान यश्चास्मि तत्वतः, ऐसा एक श्लोक था हाँ, ये भक्त्या माम अभिजानाति, मिल गया, यावान यश्चास्मि तत्वतः। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, संभवतः इस पर चर्चा हुई होगी, मिल गया आपको, भक्त्या माम अभिजानाति यावान, यावान शब्द की व्याख्या भी हुई थी, यह शब्द की व्याख्या हुई थी, अस्मि तत्वतः, देखो जी वह मुझे तत्वतः प्रवेश करके जान लेता है। तो थोड़ा इसको कंक्लूड कर लीजिए सब विषयों को। प्रसाद की पहली अनुभूति, प्रसाद की पहली अनुभूति क्या होगी? प्रसाद की पहली अनुभूति है सामर्थ्य की अनुभूति होने लगे, बिंदु दिमाग में एकदम स्पष्ट हो जावे, प्रेम की अनुभूति होने लगे, सामर्थ्य की अनुभूति होने लगे, आश्रय की अनुभूति होने लगे, विवेक की अनुभूति होने लगे, तब आप समझ लेना कि मत प्रसादात का पहला स्तर आप निकल गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आश्रय की अनुभूति होने लगे, यह प्रसादात, मेरे चित्त में उसका प्रसाद आ गया। प्रसाद आ गया मतलब क्या? मेरे चित्त में अब एक आश्रय की उपस्थिति हो गई, कोई है, भले ही कोई कितने लोग भी साथ क्यों छोड़ दें, लेकिन कोई एक है जो मेरा साथ देगा। यदि ऐसा आश्रय बन गया तो आप समझो कि थोड़ी सिद्धि हुई। किसकी सिद्धि हुई? प्रसादात। कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति है, देखो जी प्रेम करने वाला व्यक्ति, यहां पे भी ध्यान रखना, विकल्पों का अभाव है, विकल्पों का अभाव,
यह बात पिछली कक्षा में हुई, इसलिए दोबारा नहीं इस पर चर्चा करते। जब हम बहुत सारे ज्यादा लोगों पे विकल्प रखते हैं ना, तो वहां प्रेम नहीं है। थोड़ा सोच के देखिए क्या कहा गया। इसलिए मैंने शायद आखिरी में ये प्रश्न उठाया होगा कि ईश्वर हमारा परिचित है कि ईश्वर हमारा प्रेमास्पद है। जब हम भीड़ में मिलते हैं तो हम कहते हैं कि इनको भी हम जानते हैं, ये भी हमारे परिचित है। अच्छा, ये भी हमारे परिचित है मतलब क्या? ये वाक्य की जरा मीमांसा कीजिए, ये भी हमारे परिचित हैं, ये भी हमारे परिचित हैं। अब ध्वनित हुआ। अन्य परिचित बहुत सारे हैं हमारे, उसमें से एक ये है। ये देखो, ये विकल्प आ गया, बन गया। बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से एक ये भी है। तो आप समझ लीजिए कि आपने उस व्यक्ति को प्रेम नहीं किया। हाँ, वो व्यक्ति आपका क्या है? परिचित। आपको क्या दे लेगा परिचित व्यक्ति? क्या दे देगा दुनिया जैसे? क्या ईश्वर से भी हमारा हाँ परिचित है? संभवतः भक्त भागवत में भी ऐसा एक प्रकरण आया था। ईश्वर है, ईश्वर है, इस भाव को अस्ति भाव कहते हैं। ईश्वर अस्ति, ईश्वर नाम की कोई चीज है, इस भाव को बोलते हैं अस्ति भाव। लेकिन मम ईश्वर अस्ति, इस भाव को भक्ति कहते हैं। अंदर देखना, ईश्वर है लेकिन वह ईश्वर किसी और का नहीं है, वह ईश्वर मेरा है। देखो, जैसे ही मम के साथ ईश्वर का भाव जुड़ा, उसको भक्ति कहते हैं। जैसे ही यह है, यह भाव जुड़ा, तब आप समझ लेना कि परिचित है। यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति मेरा है। ओहो, तब समझना कि हां, क्योंकि परिचित के लिए त्याग नहीं किया जाता। परिचित के लिए त्याग नहीं किया जाता, हाँ, त्याग प्रेमास्पद के लिए किया जाता है। इसमें कोई त्रुटि हो तो आप बताइए। व्यक्ति रिश्तेदारों के लिए कितना त्याग करेगा, लेकिन जो व्यक्ति उसका प्रेमास्पद है। तो मैंने इसलिए आखिरी में चर्चा उस दिन समाप्त की थी, प्रेम की पहचान तो त्याग से ही है कि आप उसके लिए क्या छोड़ सकते हैं, ये बताइए। और हमारी जो ईश्वर से मांग है, तो वो व्यक्ति भजन भी गाता है, प्रभु को नियम, भजन है ना सर, बदलते दे महाराज। प्रभु को तो हम ये चाहते हैं कि वो नियम अपने क्या कर दे, हमारा क्या हाल है? हम नियम बदलने को नहीं तैयार है, हम नियम बदलने को नहीं तैयार है। हम बोलते नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा तो इतना ही कंफर्ट जोन है, मैंने तो ऐसे ही नियम लिए, मुझसे तो नहीं होता। अच्छा जी भाई, बहुत सुंदर है, तो फिर आपने प्रभु से क्यों बोला प्रभु को नियम बदल? वो भी यही कहेगा। क्या कहेगा? मैं अपने संविधान के अनुसार ही आपको दूंगा, आप चिंता मत करो। फिर हम उससे फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान आप तो दयालु हैं। अच्छा, दयालु हैं तो क्या हुआ? जब ये प्रार्थना होती है तो आप सोचो, भगत राम के चाहते क्या है? भगत राम यही चाहते हैं कि जो जिसका अधिकारी मैं नहीं हूं, जो चीज मुझे नहीं मिल रही है, जिस चीज के मिलने के लिए मैंने कुछ किया नहीं है, आप तो दयालु हैं, तो आप क्या कर दीजिए, अपने नियमों में हेर फेर करके मुझे वो चीज क्या कर दीजिए। अच्छा, दे देते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा?
बोले हम तो वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे। बहुत सुंदर, कहां से बात बनेगी सोचो आप। प्रभु को नहीं, या तो हम प्रभु से ज्यादा कट्टर हैं, या तो हम प्रभु से ज्यादा कट्टर हैं, हम नहीं बदलेंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ करने को भी नहीं तैयार हैं। भाई एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना भी पड़ेगा। ये तो संभव नहीं है कि आप जो प्रतिदिन कर रहे थे वही करें और आपको एक्स्ट्रा भी प्राप्त हो जावे, यह तो संभव ही नहीं। इसलिए प्रभु को नियम बदलते देखा महाराज, तो स्वयं को भी, तो अपने नियमों को भी क्या करो, थोड़ा सा बदलो, तब वो प्रभु का नियम बदलेगा। इसलिए पहली उपलब्धि मत प्रसादात की यह होनी चाहिए। देखो जी क्या है, प्रेम की अनुभूति, मेरे जीवन में कोई प्रेमास्पद है, मेरे जीवन में कोई आश्रय है, मेरे जीवन में मुझे यह अनुभूति हो रही है भगवान कि मेरा विवेक बढ़ रहा है। ये स्वयं को पता लगता है मेरा विवेक बढ़ रहा है, मैं चिड़चिड़ा नहीं हूं, मैं बड़ी ध्यान से प्रतिक्रिया को अपनी देता हूं, तब आप समझ लेना कि प्रसादात की जो पहली है, हाँ वो कुछ बात बन गई। देखो महाराज, ये रामचरितमानस में इसी को थोड़ा अन्य अन्य चौपाइयों में ऐसे बोलते हैं। सुग्रीव के लिए क्या बोला, नहीं उसका जो उसकी उसकी जो प्रसाद हुई, उसको जो फल मिला वो क्या हुआ, उसको जो सुग्रीव को प्रसाद मिला भक्ति का वो क्या हुआ, ठीक है, प्रसाद क्या मिला, मन भय हूं अलोला, ये प्रसाद मिला है। ये तो साधन चीज आप बता रहे हैं, भगवान अब मेरा चित्त लोलायमान नहीं है, ये मुझे प्राप्ति हो गई, पहले मेरी ये प्राप्ति नहीं थी। ऐसे चौपाइयों को ऐसा देखो आप, अब आपकी कृपा से जो मेरा मन है वह अलोल की स्थिति में, अलोल मतलब जहां चित्त लोलायमान नहीं, यह चित्त को लोलायमान करने वाली चीज क्या है महाराज। सुग्रीव से बढ़िया आपको इसकी इसकी व्याख्या कोई करके देगा नहीं। बोले भक्ति के बाधक तत्व क्या है, चलो ऐसा कर लें, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये गिना रहा है वो, आप देखो ना एक एक चीज गिना दिया उसने, क्योंकि उसका अनुभव है। ये सब राम भक्ति के बाधक, इससे स्पष्ट क्या उपदेश होगा। अब बोलता है तब कृपा मन भय हूं अलोला, उसने पहले ये ज्ञान बता दिया महाराज कि मेरा चित्त, अब देखो हमारी स्थिति एकदम आपसे निवेदन करूं सुग्रीव की भांति, मैं ऐसा कहूं आप बुरा मान पानिए, सुग्रीव की 100% स्थिति हमारी और आपकी है। सुग्रीव भयभीत है, हम भयभीत हैं, सुग्रीव को भी उसके सामने ईश्वर थे, हमारे सामने भी ईश्वर हैं, होने के बाद भी ईश्वर की अनुभूति नहीं है, सुग्रीव को भी नहीं है। भगवान कहते हैं चलो मेरी बात मान जाओ, कहने के बाद में भी ईश्वर क्या कहे, वो सुग्रीव कहता है मैं ऐसे आपकी बात मानूंगा नहीं, पहले तो मैं आपकी क्या लूंगा, पहले मेरी कुछ वासनाएं इच्छा पूरी करो भगवान, तो मैं आपके अस्तित्व को क्या करूंगा मानूंगा। कौन सा लक्षण है जो सुग्रीव से हमारा नहीं मिल रहा है, कौन सा लक्षण है जो सुग्रीव से नहीं मिल रहा है, इसीलिए सुग्रीव को जीव कहा गया, इसीलिए सुग्रीव को जीव कहा गया। जीव से आपको क्या बात आती, मुझे याद अभी कल ही मैं कहीं सुन रहा था महाराज जी को, किसी संत को, जो वत्स है वह जीव है,
चलिए विषयांतर कर रहा हूं। महाराज भगवान कृष्ण जाते थे और भागवत में विषय आया असमय, बछड़ों को छोड़ देते थे, बछड़ों को क्या करते थे, छोड़ देते थे। उसमें बारीकी से पढ़ें तो भगवान कृष्ण खुद नहीं छोड़ते थे, लोगों से क्या करते थे, छुड़वा देते थे, अपने इष्ट मित्र सखाओं से कहते थे इसको छोड़ दो। अब वहां यह लीला आई कि यह वत्सों को छोड़ने का क्या अर्थ है, तो बोलते हैं जो वत्स है, वत्स मतलब जो बंधा हुआ है, वह कोई और नहीं, वह जीव है। जीव अपने खूंटे के आसपास बना रहता है, अगर ईश्वर उस पर कृपा कर दें तो किसी को भेज देते हैं, हालांकि उसने इतनी साधना की नहीं है, लेकिन किसी गुरु के संग, किसी संत के संग से आकर वह गुरु उस जीव को असमय, असमय मतलब उसको तो फिर इतनी सारी करोड़ों जन्म की परिक्रमा करनी थी, लेकिन वह संत आके उसको असमय ही क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। ये बोले है वत्सों को छोड़ना, ये ईश्वर की कृपालुता है। देखो एक एक लीला का बड़ा विशेष विशेष महत्व है, अगर सुने समझे तो आनंद आ जाता है चित्त में। खैर तो देखो, अलोला के लिए जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो कौन लोग हैं? अलोला के लिए, अलोला शब्द आप समझ गए ना, कौन लोग हैं जो मेरे चित्त को अलोल नहीं होने देते? चार गिना दिए, बोले पांचवा गिनाओ तो जानू, पांचवा गिनाओ तो बोले जानू। सुख, इनकी मीमांसाओं को कभी पढ़िएगा। अगर विषय विषय जनित सुख, इंद्रियक सुख कहीं मिलने लगा आपको, तो ईश्वर के प्रति जो शरणागति है वो आपकी कम हो जाएगी, पक्की बात है, क्योंकि सुख का आश्रय कहीं और हो गया ना। भाई सोने में आनंद है, लेकिन किसी को लगा कि नहीं इससे ज्यादा आनंद तो पूजा करने में है, तो संभव है कि वह नींद का क्या कर देगा, त्याग करेगा। लेकिन किसी को लगता है नहीं कि हमको तो गाढ़ा आनंद यही मिलता है, बात करने में, इधर करने में, अन्य क्रियाओं में लगता है उसका मन, तो देखो आप, वह ईश्वर के सुख से क्या हो गया, उसको दूर किसने किया, अन्य सुखों ने। फिर से अन्यथा मत लीजिए, कहीं चारों में हम कहां फंसे वो गोटक देखिए, वो गोटक गिनिए अपनी अपनी, कहीं अन्य सुख मिलने के कारण मेरा मन ईश्वर में जितना रमना चाहिए उतना नहीं रम रहा है। वह कौन सा सुख है जिसके कारण मैं ईश्वर के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूं? वह जगत विषय कौन सा सुख है, ये खोजे जरा। तो पहला आ गया सुख, संपत्ति यह है, ये तो महाराज मद चित्त में मद ला देता है। संपत्ति से ये है, ज्यादा धनवान व्यक्ति यह समझता है कि मेरी सभी समस्याओं का जो हल है मैं वो किससे कर दूंगा, तो कर लो भाई। तो भगवान ऐसी आदि व्याधि चित्त में परिवार में लाते हैं कि फिर आप कितना भी धन से चाहो तो वह चीज दूर नहीं हो सकती। फिर व्यक्ति कहता है कितना दे दे, लेकिन जगत के लोग कहते हैं कि ये दूर नहीं हो सकता, इशारा काफी। आप हर चीज को धन से खरीद नहीं सकते, यह धन ही है जो व्यक्ति को अभिमान पैदा कर देता है कि मैं सर्वसमर्थ हूं, भगवान तोड़ देते हैं फिर। अभिमान तो प्रिय नहीं, अभिमान द्वेषित्वात्। तो पहली सुख, दूसरी संपत्ति, तीसरी परिवार। ये परिवारा शक्ति महाराज इतनी प्रबल है, और मैं तो यही कहूं,
परिवारासक्ति के लिए सबसे बड़ा अच्छा दृष्टांत तो वाल्मीकि से बढ़कर और कुछ नहीं है, जिसके लिए इतना मर रहे हैं उससे ये पूछा जाए कि कभी इनका भी कुछ हिस्सा आप लोगे, तो वह व्यक्ति क्या करता है, मना कर देता है। मान लीजिए मैं चोरी चमारी से धन लेके आऊं, अनैतिक तरीके से धन लेके आऊं और लोगों को, सेवकों को देने की कोशिश करूं और कभी किसी सेवक से कह दूं कि महाराज पकड़े जाओगे तो तुम भी इसके भागीदार बनोगे, तो जो वाल्मीकि को उत्तर मिला था वह उत्तर मुझे भी मिलेगा। ये बोले आपका काम है, हम क्यों इसमें भागीदार बने। देखो तो जिसके लिए अनैतिक कार्य कर रहे थे उसी ने आपका साथ क्या कर दिया, ये परिवार है। जिसके पीछे व्यक्ति सब कुछ त्याग रहा है, बड़ा कैसे कहें, दारुणिक कारुणिक प्रसंग ये आ जाता है। महाराज ये उज्जैन का राजा था, विक्रमादित्य की पहले, ये जो बड़ा पत्नी प्रेमी था, फिर उसने वैराग्य शतकम लिखा, भर्तहरि, ये पूछ लेना भर्तहरि से, आप भर्तहरि से पूछ लेना। इतना लोलू परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, महाराज एक झटके में सब नींद खुल गई और वैराग्य शतकम लिख दिया। यहां तक कहा जाता है कि ज्यादा गृहस्थ वैराग्य शतकम को ना पढ़े, वरना उसी समय वो परिवार को छोड़ देगा, इतनी शक्ति है उसमें। अच्छा साधुओं के लिए भी मना किया है, उसने श्रृंगार शतकम भी लिखा था, श्रृंगार शतकम भी लिखा। यह भी आचार्यों ने उपदेश किया कि किसी भी साधु को श्रृंगार शतकम का अध्ययन नहीं करना चाहिए। आप सोचो, मतलब वो जहां गया है वो डेप्थ को क्रॉस कर गए राजा भर्तहरि। वहां टीका टिप्पणी में ऐसा, अब हम लोगों को तो जो संतों ही सुनने मिला कि स्त्री भी अपने शरीर का वर्णन नहीं कर सकती जितना वर्णन भर्तहरि ने कर दिया। सोचो आप क्या श्रृंगार, वही भर्तहरि है, उसको एक झटका लगा, दिन में तारे दिख गए और उसी ने फिर लिख दिया, वो जो भर्तहरि की गुफा है ना तभी बनाई उसने वहां के, फिर वैराग्य शतकम लिखा। और वह कहा गया कि साधु लोगों को वैराग्य शतकम का पाठ करना चाहिए, नहीं हो तो प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो जावे, क्योंकि बड़ी कड़ी कड़ी सच्चाई दी गई है उसमें। इसके बाद भी यदि वो वहीं घुसा रहता है तो वह मरने के लिए फिर बोले तैयार रहे और क्या है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, बढ़ाई तो आप समझते हैं, यशवान व्यक्ति जिस चीज से उसको यश प्राप्त हुआ उस ओर नहीं जाता, यश जिस चीज के कारण मिला, किस चीज के कारण मिला। देखो आप, मैं तो आपको सब खोल खोल के बोलता हूं, मान लें कि विद्या अध्ययन के कारण आपको किसकी प्राप्ति हुई, यश की प्राप्ति हुई। अब यश के कारण जो चीज छूटती है वो चीज छूटती विद्या अध्ययन है, बनता है ना, ऐसा साधना में करके देखिएगा। यदि आपको लोग बहुत मानते जानते हैं कि आपका स्वाध्याय बड़ा अच्छा है, तो लोग आपको जानते किसके कारण है, स्वाध्याय के कारण, और आपका स्वाध्याय ही क्या हो गया, लो जी ये बहुत बहुत भगत आदमी है, अच्छा जी बहुत अच्छा उपदेश करते हैं भक्ति के, बड़ा सुंदर। ध्यान रखिए, उपदेश करते करते हुआ ये कि जिस चीज के कारण आपको मिल रहा था वही चीज आपकी क्या हो गई, जिंदाबाद करो भाई। यश के साथ ये, यश व्यक्ति को सोर्स से, स्त्रोत्र से दूर ले जाती है, ये यश का लक्षण। जहां से उसको यश मिल रहा था, जिस चीज से, फिर तो चित्त उस चीज को दोबारा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा तो यश हो ही गया। और आपको पता है यश से अपयश होने में जरा सा समय, महाराज वो अपनी शक्तियां वापस ले लेता है,
वो शक्ति तुरंत अपनी वापस, जिस चीज से आपने अभिमान पैदा कर दिया वो वापस लाओ। मैं तो सिर्फ ये चार चीजें जो सुग्रीव ने गिनाई वो गिना रही, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और क्या कहता है परिहरी, परिहरी मतलब मैं छोड़ दूंगा, किससे कह रहा है भगवान से, परिहरी मैं यह सब छोड़ करके करिहूं सब सेवकाई, मैं आपकी क्या करूंगा सेवा करूंगा। क्यों छोड़ोगे ये सब, किसने कहा छोड़ने के लिए, ये सब राम भगत के बाधक, ये ऐसा सीक्वेंस है उसका, मैं इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि ये सब राम भक्ति में क्या है बाधक है। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था, ये श्लोक की व्याख्या थी, किस श्लोक की, ये तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं प्राप्यसि शाश्वतम्। ये उसके प्रसाद है, देखो जी हो गया। अच्छा जी, अब प्रसाद की दूसरी स्थिति है जो मैं बोला था, यावान यश्चास्मि तत्वतः, देखो जी वह अब तत्व में प्रवेश कर जाता है, ये अब थोड़ा, ये अब थोड़ा मैच्योर बनिए, यावान यश्चास्मि तत्वतः, तब समझना यदि तत्व में बुद्धि प्रवेश नहीं करती है तो आप समझ लेना प्रसाद नाम की कोई चीज आपको अभी मिली नहीं। अब बुद्धि सूक्ष्म अवगाहनी तत्व प्रवेशनी बन जाए, तत्व में प्रवेश करने लायक बुद्धि बने, तब समझ लेना कि आपको प्रसाद की प्राप्ति हुई। अब आप देखो यही कह रहा था, आश्रय भी यही बनता है और सिद्धि भी यही बनती है, हो गया। दिलाया किसने, भक्ति ने, प्राप्ति किसकी करनी है, इसी भक्ति की, मतलब एक एक समय में जो साधन दिखता है दूसरे समय में वही सिद्धि दिखती है, यह अध्यात्म के साथ चलता रहता है, साधन भी वही है और बात देखो आप, शक्ति भी वही है और शक्ति से जिसको प्राप्त करना है वह भी वही है, ये साधन भी वही सिद्धि भी वही। अच्छा, तीसरा ऐसा कह लें अलोला शब्द के लिए कि विषय निरपेक्षता की स्थिति चित्त में बन जाए, ये क्रम है सब, ये सब क्रम है, ध्यान रखना। पहला क्या बोला गया था, प्रेम विवेक सामर्थ्य इनकी अनुभूति होने लगे, बन गया, फिर तत्व में प्रवेश होने लगे, तीसरा मन भयहुं अलोला, अलोला तभी होता है जब यह सिद्धि प्राप्त हो जाए कि विषय निरपेक्ष, ये करके देखिए, मैं दिन प्रतिदिन में कितने समय विषय निरपेक्ष हूं, ये साधना देखनी चाहिए। विषय निरपेक्षता कैसे रखेंगे अपनी, प्रतिदिन की विषय निरपेक्षता को कैसे चेक करेंगे, बिना किसी विषय के मैं कितना देर शांत बैठता हूं, इंद्रियों में चंचलता ना होवे बिना किसी विषय के, तो यह तो ध्यानाभ्यास में आपको दिख जाएगी, ध्यानाभ्यास करके देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 या 10 मिनट ही शायद ऐसा बनेगा और उसके बाद जो चित्त है महाराज वो विषय की ओर उड़ान भर लेता है, ये स्थिति है। लेकिन कहा गया विषय निरपेक्ष चित्त बन जाए। अच्छा, अब आखिरी सूत्र इसका, जब चित्त प्रेम से भरता है उसी के प्रति जिज्ञासा का उदय होता है,
प्रसादात पराम शांतिम। देखो जी, मान लें कोई हीरे से बड़ा प्रेम करता होवे, किसे? हीरे से, स्वर्ण से, जिसकी सबकी अलग अलग बुद्धि होगी, किसी को चांदी से प्रेम, किसी को स्वर्ण से प्रेम, किसी को हीरे से प्रेम। जिस चीज से आप प्रेम करते हो उसके बारे में अपनी जिज्ञासा को देखो, उसको बोलने को कह दिया जाए उस विषय में अगर, तो जो स्वर्ण का बड़ा प्रेमी व्यक्ति होवे उसको स्वर्ण पे बोलने को कह दो आप, दो घंटा बोल जाएगा। ये तभी हो सकता है जब उसके प्रति उसके मन में क्या जागृत होगा, प्रेम। अरे घर रिश्तेदारों पे बोलने को कह दिया जाए तो आप मौन भाव से सुनो उनको, दोस्तों आपके सामने दो घंटे कथा बांझ डालेंगे। डेढ़ घंटा कथा कहनी आफत है, दो घंटा वो बोल डालेंगे। किस पे बोल डाला? परिवार पर। इसका मतलब हाँ, वहां मामला गड़बड़ है। देखो ये, अब इसको अध्यात्म में ले आओ। यदि ईश्वर के प्रति प्रेम होगा तो ईश्वर के प्रति जिज्ञासु होगा ही होगा। दूसरा ऐसा कह ले, जिज्ञासु भाव उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि प्रेम उत्पन्न नहीं है। चलो ऐसा उल्टा पलट लीजिए, भैया जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में जानने की क्या होती है? इच्छा होती है। जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम जानना चाहते हैं। तो यहां ईश्वर हमारा अनजाना, तो स्वामी जी ने इसके लिए बहुत सुंदर एक बात कही थी। हाँ हाँ, ये जब आप बैठो ना तो कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। अनजाना हो सकता है, मान लें अनदेखा हो सकता है, लेकिन अनसुना, अनसुना उसके बारे में सुन के तो कहीं ना कहीं हो गया प्रेम जागृत कि नहीं? अरे भैया सबको हमने देखा ही है क्या? क्या नाम ले, जितने राजनेता नेता हैं सबको देखा ही है क्या? तो फिर उनके बारे में क्यों जिज्ञासा है? सुना। हमारी अभी आपकी जिज्ञासा चल रही ना राजनीति और अन्य विषयों में, किस बात? सुना है। तो देखा होवे, मिला होवे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बात कही थी, बहुत सही थी, किसी भक्त के प्रश्न में, वह अनदेखा है, अनमिला है, अनसुना नहीं है। बहुत बड़ी बात, सुन के तो कहीं ना कहीं रखा ही किसी न किसी संत से। तो मैं तो ये बात आपके सामने रखना चाह रहा था, ये प्रसाद की स्थिति ही जिज्ञासा को उत्पन्न करती है, ये प्रसादात। रह जाता है इसमें अब, प्रसाद यदि चित्त में आएगा तो जिज्ञासा तो उत्पन्न होगी ही होगी। देखो जी, हो गया, मेरे ख्याल से भी कंप्लीट होता है। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। ये चीजें इसकी प्रसाद की स्थिति हैं, इसको चित्त में ले आए। अच्छा फिर अब आगे बढ़ जाए, वह इसी स्थिति को प्राप्त करेगा। स्थानम मतलब स्थिति, कैसी स्थिति को प्राप्त करेगा? जो शाश्वत है, जो शांतिपूर्ण है, जो अव्यय है। इदं ते, आगे देखिए, इदं ते मिल रहा है ज्ञानम आख्यातम। इदं ते मतलब तुभ्यम, संस्कृत में तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए। अर्जुन, मैंने यह ज्ञान तुम्हारे लिए बोला। कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? गुह्यात गुह्यतरम। भाष्यकार ने एक कदम उससे आगे निकल गए। जरा देखो भाष्य क्या लिखते हैं,
गुह्यतर, तो बोलते हैं अतिशयेन गुह्यम रहस्यम। देखो जी, मिल गया, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं हो सकता है अर्जुन जो मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया है, इतना गुह्य है। देखो जी, हो गया। गोप्यात कथितम, कथितम मतलब आख्यातम, गुह्यात गोप्यात गुह्यतरम अतिशयेन गुह्यम रहस्यम मया सर्वज्ञेन ईश्वरः विमर्श्य विमर्शनम, मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। क्यों रख दिया भाई, प्रश्न मन में आएगा ना, क्यों रख दिया? मैंने पूछा था आपसे इष्टोसी में, यह इष्टोसी में। अब आप मेरे को ये बताओ कि अर्जुन इष्ट है कि कृष्ण इष्ट है? भाषा देखो आप, भगवान क्या बोलते हैं, इष्टोसी में। अब कृष्ण इष्ट है कि अर्जुन इष्ट है? भगवान देखो अर्जुन को क्या बोलते हैं, इष्टोसी में, दृढ़मिति। देखो जी, दृढ़मिति, अर्जुन तुम मुझे बहुत सुंदर लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, ये बात पहले आ चुकी है, सखा भाव के लिए। तुमसे बढ़िया मेरा कोई सखा नहीं है, तुमसे बड़ा मेरा कोई मित्र नहीं है। अर्जुन मैंने तुम्हारे लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेले, जितने भी छल किए हैं उस छल का कारण सिर्फ एक ही है, कौन? अर्जुन। अर्जुन के सिवाय कोई और नहीं था। आप देखो छल भगवान का अर्जुन के लिए। महाराज जयद्रथ अपनी चिता में जा रहा था, मरने जा रहा था, देखो ऐसे समय भी छोड़ते नहीं भगवान, और उसको क्या बोलते हैं, हे महावीर, देखो कैसे चढ़ा रहे हैं। जो वीर होता है वो अपना धनुष और बाण लेकर चिता में जाता है, है ना, ये मतलब धनुष बाण लेकर जाओ अंदर। यही नहीं, सूर्य अस्त हुआ नहीं था, ध्यान रखना, और सूर्य को क्या कर दिया, ये छल है कि नहीं, ये किसके लिए किया? देखो मतलब आप देखो, अभी तो लड़ाई चालू हुई और उसको ढक दिया, और ये लीला करते हैं कि अब तो सायंकालीन हो गई इसलिए सभी लोग क्या कर दो अस्त्र शस्त्र, और जैसे ही अस्त्र शस्त्र छोड़ा बस अर्जुन को लाके अब मारो, अब मार दो इनको। ये क्या है, ये किसके लिए किया? और एक तो बड़ी सुंदर कहानी पढ़ने को मिली मैंने स्वामी जी, बब्रुवान की कहानी, ज्यादा इसके बारे में ढूंढ रहा हूं मैं भी, मिल नहीं पाया किसी को और बताइए। मारे वो एक ऐसा राक्षस था, वो बोलता था मैं सबको मार डालूंगा, सबको तीर मारूंगा, सबको तीर मारूंगा बोलता था। भगवान से भी उसने बोला शायद, तो भगवान ने उससे बोला कि तू पेड़ की जितनी पत्तियां हैं उसमें बाण मार के दिखा, अगर सब पत्तियों में बाण मार दिया तब मैं ये समझूंगा कि तुम सबको तीर से क्या कर दोगे, मार दोगे। महर्षि ने ऐसा बाण चलाया कि एक एक पत्ती में तीर चला गया। अब वो बोलता है देखा अब तुम्हें मारूंगा, भगवान बोलते ना ना ना, तुमने बोला था कि सब पत्नियों में बाण मारोगे, महाराज एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली थी, और बोलते हैं ये इस पत्ती में बाण नहीं लगा, इसलिए तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी वो क्या हो गई, ये किसके लिए किया? जितना भी छल है ये सब किसके लिए किया? तुम्हारे लिए किया अर्जुन, में इतना हित काम मेया, भाई जो जिसका हितैषी होता है इसका बोलते हैं आचार संहिता में ये छूट दी जाती है। ऐसे तो कहा गया कि जब तक पूछा ना जाए तब तक किसी को कोई उपदेश ना करे, और स्पेशली कहा गया आगे आएगा तत्व ज्ञान का उपदेश कभी नहीं करना चाहिए, आगे भी आएगा ये प्रकरण। अरे हम और आपको कोई मिल गया जरा सा पूछा नहीं कि हमने प्रवचन चालू कर दिया,
प्रश्न है, वो जानना चाहता है कि नहीं। तो हुआ ये कि जो शब्दों में गंभीरता थी, वह शब्द की जो गंभीरता थी वो क्या हो गई, वो नष्ट हो गई। उसके मन में तो चित्त में है ही नहीं वो सब शब्द। जैसे हम लोग भी कभी कभी मजाक में मिथ्या और ये शब्दों को बोलते हैं, इससे उस शब्द का जो रहस्य है वो क्या हो गया, कम हो गया। आप ऐसा समझें, स्थूल चीज जो हमारे गणमान्य बड़े व्यक्ति होते हैं उनका हम लोग नाम लेते हैं बार बार। बार बार नाम लेने से हमारे मन में उनके प्रति जो भाव है वो क्या हो जाएगा, तो हम उनको एक परोक्ष संबंध से बुलाते हैं। नाम तो नहीं ले सकते भाई, मैं बार बार ऐसा बोलूं कि सुबोधानंद तेजोमय अनंत, तो अब 10 बार बोलोगे तो आपके मन में भाव क्या हो गया फिर, मतलब ये तो खिलवाड़ हो गया ना नाम। तो आप उनको परोक्षता से कुछ बोलेंगे, देवता देवता ही परोक्ष प्रिया, ऐसा नियम है। इसलिए जब तक कहा ना जाए और जब तक वह योग्य व्यक्ति ना दिख जाए, कभी भी गूढ़तम रहस्यों को उसको मत बताएं। वह आपके प्रति, तो ध्यान रखना, आपके प्रति भी श्रद्धा नहीं उत्पन्न करेगा। वो क्या कहेगा, ये बहुत बड़े जानकार समझते हैं अब लो जी। संभव आपने तो उसको समझाने के लिए समझाया हो, बट वो आपके लिए क्या कह रहा है, जानकार है। तो शास्त्र के प्रति भी उसकी निष्ठा कम हो गई और शब्दों के प्रति जो महत्व बुद्धि थी वो भी चली गई। इसलिए कभी भी ऐसा उपदेश किसी को मत करें जब तक कि वह योग्य अधिकारी। अब यहां पे भी पूछा, अर्जुन ने तो ऐसा कुछ पूछा नहीं था। भगवान बोलते हैं हित काम्यया, यदि मन में जिसके प्रति हित की भावना होवे तो उसके लिए 2-3 लोगों को छूट दी गई। शिष्य के प्रति, शिष्य यदि ना पूछे तो भी गुरु को क्या करना चाहिए, उपदेश कर देना चाहिए। पुत्र ना भी पूछे और पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है तो पिता पुत्र को क्या करता है, उपदेश कर देता है। लेकिन जब वह देखता है कि ये सुनने वाला नहीं है तो फिर वह उसको उपदेश क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, फिर उसको दोबारा उपदेश नहीं देना चाहिए। अर्जुन को बोलते हैं सर्व, देखो जी सर्व गुह्यतमम, देखो जी अत्यंत रहस्यमुक्तम। मैंने तुमको अर्जुन क्या किया, देखो समाप्त करते हैं भगवान, मैंने तुमको अत्यंत रहस्यपूर्ण उपदेश दिया। और कोई कैसा वचन बोला है, परमम वचः। देखो मिल गया आपको ये श्लोक, सर्वगुह्यतमम सर्वगुह्योभ्य अत्यंत रहस्य मुक्तम अपि असकृत। देखो जी, और मैंने एक बार नहीं कहे, वाह कितनी बार, असकृत। मैंने तुम्हारे बिना पूछे हुए न जाने कितनी बार इस गूढ़ रहस्य को क्या कह दिया। और क्या बोलते हैं, परमम वचः। देखो जी ये भाष्य जरा पढ़िएगा, बहुत सुंदर वाक्य है, सर्वगुह्यतमं सर्वगुह्येभ्य अत्यंत रहस्यमुक्तम अपि असकृत भूय पुनः शुड़मे मम परमं प्रकृष्टो वचो वाक्यम। अर्जुन मैंने तुम्हारे लिए इतनी बार ये बोला और अब मैं तुमसे आखिरी बार, देखो ये है, इसको बोलते हैं प्रेम। इतना गीता बोलने के बाद में भी अभी भी भगवान तृप्त नहीं हुए और क्या बोलते हैं, आखिरी बार में तुमको फिर से एक उपदेश करने जा रहा हूं। ये उपदेश गीता का सार है। देखो जी बहुत ही सुंदर श्लोक, ये सब कुछ कवर कर लेता है। और जहां तक मैं जानता हूं इस पे तो विद्वान लोग 18 से 1 महीने तक, इस पर मैंने जानता हूं 18 दिन से 1 महीने तक उपदेश इसी श्लोक पर बस, क्योंकि ये सार है पूरे गीता का। न भयात अपि अर्थ कारणात् वा वक्ष्यामि, मैं अब जो कहूंगा अर्जुन, मुझे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई बकबक नहीं करना है, लेकिन मैं इष्टः वा प्रिय, भाष्य देखो कैसा है, प्रिय मम दृढ़म अव्यविचारेण इति कृत्वा तीन कारणेन वक्ष्यामि, मैं फिर से तुमको इस कारण से बोलने जा रहा हूं, तुम मुझे बहुत प्रिय हो और मैं तुमको आखिरी बार अब कुछ बोले, इसके बाद भगवान ने उपदेश देना बंद कर दिया है।
ये श्लोक के बाद भगवान के वाक्य भगवान ने बोलना बंद कर दिया। देखो ये आखिरी श्लोक है जो परम, इसमें परमम वचम आया ना, परमम वचम, परम शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति सा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति साधनम। मैं तुमको कहने जा रहा हूं परमम वचन मतलब कुछ भी मत कह देना कि सबसे ऊंचा वचन, मैं तुमको वह वचन कहने जा रहा हूं जिससे ज्ञान तुमको साक्षात उत्पन्न हो जाएगा। यह ज्ञान के साक्षात साधन है, इसलिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, ज्ञान प्राप्ति साधनम, ये ज्ञान के साधन हैं जो मैं तुमसे अब कहने जा रहा हूं। इसका मतलब ज्ञान ही क्या हुआ, ज्ञान क्या हुआ, उद्देश्य, साध्य और साधन जो है अब वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। ज्ञान तो मैं तुमको पहले बता ही चुका, वो तो सरल है, लेकिन साधन अगर जीवन में आ जाए, अभी साधन देखो महाराज, बहुत ही सुंदर श्लोक है। मन मना सब चीजों में एक चीज जोड़ लेना, सब चीज के आगे एक चीज जोड़ लेना, भव, भव शब्द के आगे सब के आगे लगाना, भव मतलब बोलते ना आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, यशस्वी भव, भव मतलब हो जाओ, हो जाओ मतलब क्या है, अभी नहीं हो, अभी नहीं हो, हो जाओ। देखो जी ये आशीर्वाद है, अब इसके आगे सब में लगाओ, मन मना भव बन गया, मद भक्त भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु भव बन गया। अब नमस्कुरु भव इसलिए नहीं लगाते क्योंकि नमस्कार खुद ही एक क्रिया है, तो भव भी कैसी, दो बार क्रिया कैसी लग जाएगी, हो गया। कितनी साधनाएं, मन मना भव, मद भक्त भव, मद्याजी माम भव, माम नमस्कुरु, ये चार चीजें। इसी को भगवान ने, शायद 12वां अध्याय है, मन मना भव मद भक्त मिलता है। देखो आप ये 18वां अध्याय, ऐसा कहां से कहां लेके भगवान आते, 9वें अध्याय का, मन मना भव मद भक्तो, साधन में अंतर नहीं है, जो साधन पहले बताया था वही बता रहे हैं, बस आखिरी बार बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ये टिप्स देके जा रहा हूं अर्जुन, इसको जीवन में ले आना। जैसे हम लोग भी कभी अपने पुत्रों लोगों को, अपने प्रिय लोगों को बताते हैं ना, इतना बताने के बाद ये चीज ध्यान रख लेना, तो ये चीजें ऐसी हैं बस। मन मना भव 9वें अध्याय में भी है, मद भक्त भव, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे, अब अंतर कहां आ गया, सत्यम ते, ये देखो अंतर आ गया, प्रिय प्रति जाने, प्रति जाने मतलब ये है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, वाह, क्योंकि आखिरी श्लोक है ना, ये मेरी प्रतिज्ञा है, प्रति जाने, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं अर्जुन, जिसके जीवन में ये चीजें आ गईं उसके जीवन में तत्व का प्रवेश हो गया। प्रति जाने प्रियोसी में, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, अर्जुन तुम तो मैं इष्ट में दृढ़मिति, तुम तो अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको यह उपदेश दे रहा हूं। अब जरा देखिए क्या है, मन मना भव, इसका तो ट्रांसलेशन ही अभी देख लीजिए, मन मना भव का अर्थ है भाव सौंदर्य का जो शासक बने वह मैं बनूं, भाव साम्राज्य के ऊपर जो शासन करे वह मैं करूं। व्याख्या बाद में कभी देखेंगे, अभी तो ये देखिए, भाव साम्राज्य के ऊपर शासन मन का नहीं होना चाहिए, मेरी इच्छाओं का नहीं होना चाहिए, मेरी सुविधाओं का नहीं शासन होना चाहिए, मन जो कहता है वो नहीं करना है, मन के ऊपर शासन मेरा होना चाहिए। इसको बोलते हैं भाव सौंदर्य के ऊपर शासन मेरा होवे। तो जितनी आपकी इमोशन थी वो सब क्या कर ली उन्होंने, पकड़ ली,
मतलब अब आपको यह छूट नहीं है कि जो मेरे मन में आए मैं वो करूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं यही करूंगा, मुझको ये सुविधा लगती है, ना ना। बोले उसके ऊपर शासक कौन होना चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है वो करोगे, हो गया मन मना। मत भक्त, मेरे भगत बनो। भक्त का हम भक्ति में अर्थ है तो बहुत सरल भक्ति का प्रारंभिक एक अर्थ करते हैं। पूजा आदिशु अनुराग इति पाराशर्य, देखो ये भी भक्ति में, भक्ति शास्त्र में आता है। पाराशर्य ऋषि वेदव्यास जी, उनका यह सिद्धांत है कि सबसे पहले पूजा आदिशु अनुराग, चित्त में पूजा आदि के प्रति चित्त में क्या होना चाहिए, राग होना चाहिए, इसको भक्ति कहा गया। स्टार्ट यहां से किया हमने, पूजा आदिशि अनुराग इति पाराशर्य, इसमें क्या हो गए, राग हो गए। अब बहुत बड़ा शब्द है, भजनम नाम रसनम, मेरे प्रति रस की उत्पत्ति हो जावे तो समझ लेना कि मेरे प्रति क्या हो गई, भक्ति उत्पन्न हो गई। रस ऐसा हो गए कि ईश्वर और ईश्वर के प्रति इतना भाव हो गए कि अब क्या कहा जाए, उसको बोलते हैं भगत। अब एक दृष्टांत देखें, समाप्त करो। वो एक दृष्टांत कभी स्वामी जी ने इसमें दिया था पढ़ते समय, कहाँ दिया नहीं पता, जो लोग गए होंगे भक्ति के लिए दृष्टांत दे रहे हैं इसलिए उसी संदर्भ में उसको देखें, कि आपने सिद्धवाड़ी में एक जो स्टेज है देखा है ना, क्लासरूम, वहाँ पे एक साइड कृष्ण, एक साइड भगवान राम की मूर्ति रखी है और एक साइड वो किरात रूप में शिव जी की मूर्ति रखी है। देखिए ध्यान आता है, जैसे यह व्यासपीठ है तो एक तरफ किरात हैं और एक तरफ सब सैंडलवुड है, सब चंदन की मूर्तियाँ हैं। तो जहाँ राम की मूर्ति रखी है तो जो राम मंदिर है ना आपका, वो तो प्राण प्रतिष्ठित है, तो गुरुदेव के समय में उसमें राम जी की जो स्थापना की गई थी वो उसी स्थल पे की गई थी, कहाँ, जहाँ मंदिर रख दिया है, उठा के फिर वहाँ ले जा गए, लेकिन जो उसके क्रियाएं होती ना वो क्रियाएं सब वहीं पे की हुई, उसमें बड़ा रात भर की सब क्रियाएं करनी होती हैं। तो बोलते हैं उस दिन उस मूर्ति को वहीं पे अन्नाभिषेक और सब करना पड़ता है, और रात हो गई थी 11 12 एक बज गया था, तो सब लोग चले गए थे। मम्मी जी ने ऐसा बोला कि वो कुछ सजावट कर रहे थे क्योंकि प्रातःकाल फिर पूजा होनी थी, उसके लिए वो 1 बजे रात में स्वामी जी सजावट कर रहे थे, उसकी व्यवस्था देख रहे थे, जहाँ वो मूर्ति को क्या किया गया था, लिटाला गया था, उसी को फिर ले जाया गया राम मंदिर। बात होगी करीबन 1-1.5 बजे की, और नीला गाउन पहने हुए महाराज एक बड़ा लंबा सा आदमी आया, पता नहीं कहाँ गुरुदेव नीला गाउन पहन के आ गया, अलग पहनते नहीं थे कभी, नीला बड़ा सा, कदकाठी तो बहुत बड़ी थी उनकी। What you are doing? तो इन्होंने बताया कि ये पूजा की तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर, पता नहीं वो क्या, वो तो जीवन मुक्ति ही थे, देखो आप उनकी लीलाएं, तो वो पता नहीं अपने हाथ में से क्या लाए थे, वहीं ढूंढा भी मुझे याद नहीं क्या बोला उन्होंने, उस जो मूर्ति थी पत्थर की थी, अभी भी आपने देखा होगा वनवासी राम है, उसको किसी ब्लैंकेट या कंबल से क्या किया, उसको ढका, क्योंकि वो अपना भी कोट पहन गया था, उस समय महीना था अक्टूबर का, उसको ढक दिया बातों बातों में, ये इनको नहीं पता लग रहा कि ये क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर दिया, इनको कवर कर दिया। ये लोग आश्चर्य में थे कि 1 बजे कहाँ से जग गए, कहाँ से आ गए, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, अंदर कुटिया में बहुत ठंडक लग रही थी मुझको, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कंबल ढूंढा जाए, कहीं से कंबल कुछ अच्छा मिले, तो कंबल लेने के लिए मैं इधर उधर आया था, तो मैं कंबल ढूंढ रहा था और कुछ नहीं कर रहा था।
और आकर भगवान को क्या कर गए, जो स्वयं की अनुभूति है वह ईश्वर की अनुभूति है, जो अब वहां ठंडक लग रही थी इसलिए वहां उनको अनुभूति हुई और वो वहां आके करके चले गए। ऐसा जिसका मन एक रूप हो जावे, मूर्ति तो जड़ ही कहेंगे हम पत्थर की, लेकिन महाराज प्राण प्रतिष्ठित है, जीवंत है, और वह जीवंत मूर्ति को सर्दी लग रही है यह बात उसको अपने कक्ष में बैठे पता लग रही है, और भी रात को 1 बजे, और वो व्यक्ति आकर उसको उड़ाकर क्या हो जाता है, चला जाता है। इसको बोलते मद भक्ता। ये तभी होता है मद भक्ता शब्द, जब चित्त एकदम समान हो जाता है, उससे ट्यून्ड हो जाता है, और बोला जाए कॉस्मिक वर्ड से जब आपका चित्त ट्यून्ड होने लगता है तो भविष्यवर्ती घटनाएं आपके मस्तिष्क में दिखने लगती हैं। इसके बारे में जितना कम बोला जाए ठीक है भाई। यदि चित्त शुद्ध होवे तो समष्टि के आसपास की घटित घटनाएं यदि कभी कभी कोई सामने आ भी जाए या दिख जाए तो उस व्यक्ति को दिखने लगता है। ये होता है, ये किसके साथ घटित होता है, मद भक्ता। यह है मन मना भव मद भक्त, मद्या जी मेरी ही अर्चना करे, माम नमस्कुरु। नमस्कार कर, नमस्कार का मतलब ये है, कल कोशिश करेंगे, व्यक्तित्व के विसर्जन का नाम प्रणाम है। यदि व्यक्तित्व विसर्जित नहीं होता है तो प्रणाम करना एक क्रिया मात्र है, इसलिए हम लोगों को कुछ क्रियाओं से मिलता नहीं। महात्माओं के प्रणाम को देखिएगा आप कभी, मैं तो पंक्ति ही इतना कह रहा हूं, व्यक्तित्व के विसर्जन का नाम प्रणाम है। श्री दक्षिणा मूर्ति नमः, ये नमः शब्द की व्याख्या है। साहंकार अगर अहंकार सहित कोई कर रहा है तो उसको वह जो प्रणाम का फल है वह प्रणाम का फल नहीं आता। साहंकार श्रवण किया जाए तो श्रवण का फल नहीं आता। हम ही लोग अगर किसी को अहंकार सहित हम लोग सुने, किसी संत को भी टीवी पर भी, तो आपको पता है वह सुनने को नहीं मिलता, जो मन में आना चाहिए वो विचार आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप कैसा श्रवण कर रहे हैं, अभिमान सहित। पढ़ाते समय तो उसको उद्दंडता की निवृत्ति, चित्त की चंचलता, व्यक्तित्व के विसर्जन का नाम प्रणाम है। इतने बड़ी चीजें हैं, कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।